चंद्रा मौर्या चौराहे के पास फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का संधारण कार्य सोमवार रात से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने तक वाहन चालकों के लिए आवागमन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस द्वारा बनाई गई है। नेशनल हाईवे में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य को लेकर सर्विस रोड का चौड़ीकरण कार्य चंद्रा मौर्य चौराहे के समीप सोमवार की रात से शुरू किया जा रहा है। चौड़ीकरण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने, सड़क जाम जैसी स्थिति बनने से रोकने, यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को निरंतर जारी रखने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए यातायात पुलिस द्वारा रूट चार्ट तैयार किया गया है। छोटे और बड़े वाहन चालकों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे वाहन चालकों को यातायात पुलिस द्वारा बताए इन मार्गों का उपयोग करना होगा। सड़क जाम और यातायात को बाधित होने से रोकने यातायात पुलिस द्वारा यहाँ यातायात के कर्मचारियों की तैनाती भी की जा रही है, जो सड़क चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने तक यहाँ तैनात रहेंगे। चंद्रा मौर्या चौराहे के समीप सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से तैयारियां की जा रही थी। अब सोमवार रात से इस मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। चंद्रा मौर्या फ्लाईओवर के नीचे जो 100 मीटर का दायरा है उसमें चौड़ीकरण का और डामरीकरण का काम आज रात्रि 10 बजे से चालू हो जाएगा, तो जिसके लिए हम लोगों ने डाइवर्शन प्लान भी बनाया हुआ है। और जो रायपुर से दुर्ग चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज की ओर आ रहे हैं वो भारी वाहन, चाहे बस हो चाहे ट्रक हो, पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। यदि छोटी गाड़ी से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, तो चंद्रा मौर्या टॉकीज के सामने से अमित इंटरनेशनल जो होटल है उसके पीछे से ही आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा जो जाम की स्थिति निर्मित होगी, काफ़ी दबाव रहता है चंद्रा मौर्या चौक में भी अंडरब्रिज में, तो इसके लिए अल्टरनेट जो पावर हाउस अंडरब्रिज है और प्रियदर्शनी अंडरब्रिज है उसका उपयोग करें। और एक सप्ताह में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो रोड को डामरीकरण का काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाए और आवागमन के लिए खोल दिया जाए। सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बनाए रखने सर्विस रोड का किया जा रहा चौड़ीकरण कार्य सराहनीय है। वहीं नेशनल हाईवे में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के समीप गड्ढों में तब्दील हुआ मुख्य मार्ग दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ आए दिन दोपहिया चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व इस सड़क का संधारण कार्य कराए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।